तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक क्लॉक की। तो ये मैंने काफ़ी देर से ऑर्डर किया हुआ था, मुझे तकरीबन 4-5 दिन हो गए मिला है और मुझे टाइम भी नहीं मिला वीडियो बनाने का, आज टाइम मिला है। तो आज इसके बारे में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको मिलती है और इसके अंदर से हमें क्या मिलेगा और इसको हमने दीवार पर कैसे लगाना है। ये वो छोटे वाला क्लॉक नहीं है, ये बड़े वाला क्लॉक है जो वाल के ऊपर बड़ा सारा हम बना सकते हैं, जिसकी हर चीज़ें अलग-अलग होती हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारा वो क्लॉक जो हमें पार्सल मिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्सल इस तरह से इनका पैक हो के आया है, लेकिन ये समझ नहीं आएगी यहाँ से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही ओपन है, ये अपनी जो डिलीवर करने आए थे उन्होंने ओपन किया, ये किस वजह से ओपन हुआ, बहरहाल ये ओपन नहीं होना चाहिए था। फिर भी हमें अपनी चीज़ से मतलब है, देखते हैं इसके अंदर जो चीज़ें हैं क्या वो पूरी है या ठीक है। तो ये आया कहाँ से मुझे तो ये भी भूल गया था। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाहौर से आया हुआ है और ये पड़ा मुझे कितने का है, यहाँ पे 1450 रुपये लिखे हुए हैं। तो ये है 40 इंच वाला क्लॉक है, तो देखते क्या जो हमने ऑर्डर किया था वही कुछ इसमें से निकलता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पैकिंग तो अच्छी है, यानी कि कोई चीज़ इसमें से टूटने का कोई ख़तरा नहीं होगा इसमें। फिर भी हम चीज़ें अपनी देख लेते हैं। तो ये इतनी सारी पैकिंग में ये मिला है हमें, ये बाकी इसका पैकेट और ये इसके साथ स्केल दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम इसको सेट कर सकते हैं दीवार के ऊपर। और ये डबल साइडेड टेप है थोड़ी सी, और इसके अंदर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आपने कौन सा हिस्सा जो या कौन सा ये कान लगाना है हिस्सा इसका। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 सुइयां हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये रहा हमारा क्लॉक। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पूरी होंगी, हम क्या करते हैं कि इसको लगाएंगे और इसको लगा के दिखाते हैं। ये चीज़ें आपको इसके अंदर से मिलती हैं और ये हमारी मेन मशीन है जो काम करेगी, जो चलेगी। तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं। अब हम इसको जो है दीवार पे सेट करेंगे और इसको आपको चला के दिखाएंगे, लगा के दिखाएंगे ये कैसे काम करता है। तो चलें देखते हैं। We'll be right back.
ये था हमारा क्लॉक जो आपने देख लिया हमने किस तरह से लगाया। इसके जो टाइम पीस की जो सुइयां हैं ना उसका जो कलर है बहुत ही लाइट है, वो आप हल्का सा हाथ लगा रहे हो तो वो उतरी जा रहा है, तो वो वैसे सही है। हमने कौन सा हाथ में पकड़ना है, हमने तो लगाना है, इस वजह से मुझे तो सही लगा है। बाकी आपको मैंने दिखाया लगा के आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसके साथ जो उन्होंने टेप दिया वो टेप इतनी अच्छी है कि वो जब जहाँ पे लगा लें अगर आप वहाँ से उतारते हो तो नीचे से जो आपकी दीवार है उसका जो सीमेंट जो है वो भी उतर जाता है, इतनी अच्छी टेप दी है। तो इस वजह से आप सोच समझ के लगा लीजिएगा, पहले आप नीचे रख के आप तसल्ली कर लेंगे ये किस तरह से लगेगा, ज़मीन पर रख के आप बना लें उसे और उसके बाद उसको लगा लीजिएगा। तो वहाँ पे और भी बहुत सारे डिज़ाइन थे, अगर आपने भी लेना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फेसबुक पे पेज है, उधर और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं। तो ये जो मैंने मंगवाया था ये था 40 इंच का था, और इसमें जो था 12 का, 6 का, 3 का और 9 का जो वर्ड था वो था बड़ा, बाकी थे छोटे। मैंने समझा था कि 12 पहले एक से स्टार्ट होगा, एक से बड़ा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता छोटे वर्ड होते जाएंगे, मैंने वो समझ के लगाना स्टार्ट किया। लेकिन आपने देख लिया था कि जो हमारी दीवार पे जो है निशान पड़ गए थे, इस वजह से मुझे वहाँ से उतार के दूसरी जगह लगाना पड़ गया। तो ये था आज का हमारा क्लॉक, तो मेरे देखने में तो सही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें और भी बहुत सारे डिज़ाइन है, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आता तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है और भी। और उसको लगाने के लिए ख़ास बात मैं यही सोच रहा था कि इसको लगाऊँगा मैं कैसे, इसकी मेजरमेंट कैसे करूँगा, लेकिन उन्होंने उसके साथ एक आपने देखा था वो जो फुट था, तो वो फुट के ज़रिए पहले हमने उस पर मार्कर से लाइनिंग कर ली थी, उसके बाद हमने लगा लिया था। तो ये बहुत आसान आपकी आसानी के लिए उन्होंने साथ उसमें रखा हुआ है। तो पैकिंग भी आपने देख ली पैकिंग, लेकिन जो सुइयां पैक की थी वो सही नहीं थी की, लेकिन वो सुइयां बाहर पड़ी हुई थी क्लॉक की, जिस वजह से वो हिल हिल के उसका कलर उतरा हुआ था। तो बाकी क्लॉक जो था आपके सामने है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।